मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं मैं आठ साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग एक साल में हर टॉपिक का कोर्स बनकर तैयार है अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है इसीलिए तो कहते हैं कि टीच टीचमिंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीच टीचमिट इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप नमस्ते दोस्तों आप सबका हर बार की तरह इस बार भी बहुत बहुत स्वागत है जी डी इन्फो में तो जैसे कि आप जानते हैं कि जी का कोई रियल अपडेट जी का कोई ऑथेंटिक अपडेट का मतलब ही है जी डी इन्फो तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज किस पे हम डिस्कस करेंगे आप लोगों को पता होगा कि सारे जो यूट्यूबर है वो सब कमलेश चंद्र कमेटी का रिपोर्ट के पीछे पड़ा है ठीक है अगर उन्होंने का कोई भी अपडेट देना होता है तो वो रेफरेंस किस कर लेते हैं कमलेश चंद्र कमेटी का ठीक है दोस्तों तो आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है लास्ट तक ज़रूर देखना और इतना इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करने के लिए एक लाइक ज़रूर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि डिपार्टमेंट रहना है तो जी डी एस इन्फो को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना ठीक है दोस्तों तो अच्छा मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो न्यू जो लोकसभा में आलोचना हुआ था कि जी का जो ट्रांसफर का पॉलिसी वो तो अपलोड हो चुका है मतलब वो तो अपडेट कर दिया गया है ट्रांसफर पॉलिसी चेंज हो गया है जो कि कमलेश चंद्र कमेटी जो है कमलेश चंद्र जो है ना जीडीएस का बाहुबली है एक तरीके से ये वरदान है हमारे जो जर्नी है हमारा जो अधिकार का डिमांड का जर्नी है उस पर वरदान है कमलेश चंद्र कमेटी का रिपोर्ट ठीक है तो आज हम टोटल डिस्कस करेंगे कमलेश चंद्र कमेटी के रिपोर्ट पर ठीक है दोस्तों तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक देखिएगा और हाँ प्रोमोशन एग्जाम को लेके जो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रोमोशन एग्जाम जो है आप लोग जो देख रहे हैं ना आप लोग जो प्रोमोशन एग्जाम को लेके मुझसे मुझे पता है अधिकांश लोग इस चैनल पे हम पे विश्वास करते हैं और उनको पता है कि हम ऑथेंटिक अपडेट देते हैं लेकिन दो एक भी क्यों हमसे रूठे हम नहीं चाहते ऐसा इसीलिए हम सबका डाउट इस पर क्लियर कर देते हैं कि ये जो प्रोमोशन एग्जाम को लेकर जो बात है जो एक साल में एम का प्रमोशन और तीन साल में पी का ये भी कमलेश चंद्र जी ने ही सजेस्ट किया था ठीक है दोस्तों तो आप जो देख रहे हैं ना आप ये अब देख रहे हैं लेकिन मैं एक हिस्ट्री का रिपीट देख रहा हूँ ठीक है ये आपके और मेरे में देखने का फ़र्क है यहाँ पे तो डिपार्टमेंट ने जो मैंने आपको कह रहा हूँ ये देखिए ये जो मैं आपको ये वाला पी छोड़ के मैं असली कमलेश चंद्र का रिपोर्ट भी दिखा सकता था लेकिन ये वाला पी मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको ये देखिए ये एक लोकसभा में जैसा आपने देखा आज से दो तीन दिन सॉरी सार, एक महीने के अंदर ही शायद देखा मतलब एक से दो सप्ताह हुआ है शायद तो ये जो लोकसभा का देखा है ना ये देखिए जुलाई ट्वेंटी एट्टीन को ऐसा हुआ था ऐसा ही एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया था लोकसभा में ठीक है और हम प्रूफ के बिना ना कुछ नहीं कहते थे दो हज़ार अठारह में और अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो इस जो रिपोर्ट है इसमें लिखा गया था उसके बारे में जो ट्रांसफर के बारे में और देख सकते हैं अब दो साल के अंदर वो इम्प्लीमेंटेड हो चुका है ठीक है लेकिन अब आप देख सकते हैं तो इसीलिए मैंने पहले जो कमेंट किया था उसमें मैंने कहा था कि ये प्रमोशन को लेकर जब डिस्कस हुआ है तो लगभग दो साल लग जाएगा डिपार्टमेंट को उस पर अमल करने में उस पर कार्यकर पदखक्षेप लेने में उस पर ऑफिशियल मेमोरेंडम निकालने में लेकिन जब हमने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ट्वीट देखा कि हम इंटरनली इसको एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन के बाद ही इम्प्लीमेंटेड कर देंगे तब हमको ये लगा कि ये जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगा ये ऑफिशियल मेमोरेंडम डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर देगा ठीक है शायद एक या दो महीने के अंदर भी हो सकता है ठीक है दोस्तों तो होपफुली वेट कीजिए क्योंकि मैं ना कभी आपको ठगने के मूवमेंट से नहीं आया हुई यहाँ पे ठीक है व्यू का ज़रूरत नहीं है हमको हमको बस आप तक असली इन्फॉर्मेशन आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन की ना दोस्तों कोई कमी नहीं है ठीक है तो ये मेरा जस्टिफाई था अब देखिए ये जो है मैं ये फर्स्ट वाला पेज जो है इसको इग्नोर करना है क्योंकि ये एक लोकसभा में डिस्कस हुआ था तब ये आया था ठीक है फर्स्ट वाला पेज को इसको इग्नोर करना और उसके बाद हम और एक मसला हमारे यहाँ पे है कि बारह छब्बीस छत्तीस ठीक है इसको लेके भी हम बाद में आएंगे आ, इसके नेक्स्ट वीडियो में ही हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और अब हम आपको जो दिखाने जा रहा है जस्ट एक पेज के बाद में ही ठीक है ये वीडियो अपलोड होने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पी दे दूंगा क्योंकि आपको पता है कि हम ऑथेंटिक अपडेट की ही मूर्त है तो इसके पीडीएफ से आपको पूरा आप भी खुद पढ़ ले सकते हैं ठीक है कोई बात नहीं इसके बारे में चलिए आप देखते हैं कि मेजर रिकमेंडेशन जो कमलेश चंद्र जी ने कहा था सजेस्ट किया था पहले का जो सिस्टम है था ना और हाँ एक बात मैं बता दूँ कि प्रोमोशनल जो एग्ज़ाम को लेकर बात चल रहा है वो दो शायद चौदह पंद्रह तक वैसे ही रहा था कि एम के लिए एक साल के बाद एम एग्जाम में बैठ सकते थे और तीन साल के बाद पी ए पोस्टमैन ये सब एग्जाम में बैठ सकते थे ठीक है उसको चेंज तभी किया गया था ठीक है तो ऐसा कोई बात नहीं है कि एक साल के अंदर नहीं हो सकता होगा जरूर होगा ठीक है तो ये जो है मेजर रिकमेंडेशन क्या है इससे पहले एक ओल्ड सिस्टम था ठीक है उसके अंदर ग्यारह टी आर सी एस लैब था ठीक है और थ्री वेजे स्केल था मतलब आप टी आर सी एस लैब कितना है दो है आपको भी पता है एक बी पी एम का टी आर सी एस लैब है एक ए बी पी एम का टी आर सी एस स्ब है ठीक है जिसका बेसिक ए बी पी एम के लिए दस हज़ार है मैं लेवल वन का बात कर रहा हूँ ठीक है और लेवल टू के लिए जो है वो बारह हज़ार है ठीक है तो इतना था लेकिन यहाँ पे बहुत सारा टी आर सी एस लैब था जिसको लेके बहुत सारा प्रॉब्लम होता था तो ये इम्प्लीमेंटेड हो चुका है इसको कमलेश चंद्र जी ने कहा था कि इसको चेंज करो चेंज करके वन वे स्केल में इसको ले आओ तो जो कि किया गया है ठीक है ये इम्प्लीमेंटेड है ओके तो भविष्य में इसको इम्प्लीमेंटेशन करना ही पड़ेगा ठीक है अब क्या है द मिनिमम वर्किंग आवर जो है जी का वो थ्री आवर था ये जो वेट स्केल था थ्री ग्यारह टीआर से वेट स्केल था इसमें मिनिमम वर्क लोड था थ्री आवर के उसको बढ़ा के फोर आवर किया गया है जिसके जरिए ही सैलरी में आपको हाइक देखने को मिला है ठीक है न्यू वर्किंग आवर्स जी डी एस पोस्ट ऑफिस विल बी फोर आवर्स एंड फाइव आवर्स ये भी कमलेश चंद्र जी ने ही कहा था मतलब आप जो पोस्ट ऑफिस का डिज़ाइन है ये टोटल डिजाइंड बाई है कमलेश चंद्र जी तो सो मच थैंक्स इन महापुरुष के लिए ठीक है क्योंकि ये वरदान है हमारे लिए और क्या है लेवल वन लेवल टू का जो कॉन्सेप्ट है ये भी कमलेश चंद्र जी ने ही कहा था यहाँ पे क्या था फोर आवर्स फोर आवर्स वर्किंग आवर्स होगा एंड लेवल टू के लिए फाइव वर्किंग आवर्स होगा ठीक है तो मुझको लगता नहीं कि ये एक बार में कंप्लीट होगा मैं आज ही दो वीडियो ही अपलोड कर दूंगा पार्ट वन पार्ट टू करके ठीक है तो काइंडली हमसे थोड़ा कोऑपरेशन बनाए रखिएगा पॉइंट सिस्टम ऑफ एसेसमेंट वर्कलोड बीपीएम एबोलिश्ड ठीक है तो ये जो है ये अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है ठीक है कि वर्कलोड जो है बीपीएम का इसके पे पॉइंट सिस्टम अभी भी चल रहा है हमने एक वीडियो में इस पॉइंट सिस्टम का बारे में जिक्र किया था मतलब आप अपना वर्कलोड कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर भी जिक्र किया था अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो हम उसे कॉमेंट कीजिए कर दीजिएगा जिसको चाहिए मैं उसको ही सिर्फ लिंक दे दूँगा इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक नहीं दूंगा ठीक है पॉइंट सिस्टम असमेंट अभी वर्कलोड चल रहा है ठीक है इस पर मेरा कंप्लीट वीडियो है और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आप खुद कैलकुलेट करिए अपना वर्कलोड क्यों डिपार्टमेंट पे भरोसा करते हैं खुद करके देखिए और फिर जस्टिफाई करवाइए डिपार्टमेंट से कि हमारा वर्कलोड इतना है हमको सैलरी ज़्यादा चाहिए ठीक है वो अच्छा है खुद का आपका जी जो है वो बुद्ध जी नहीं रहा बहुत सारा लोग होता थे पहले में जो जिसके पास प्रमोशन का ऑफर आता था लेकिन वो नहीं लेते थे लेकिन आप तो आप सभी प्रमोशन के लिए है ना आए हैं ठीक है तो आपको सैलरी भी ज़्यादा चाहिए बहुत सारा गुनी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है ठीक है।, है जो जी का नौकरी कर रहे हैं जो मजबूर है अपने सोशल लाइफ के तहत और क्या है न्यू ओज पेमेंट सिस्टम इज़ लिंक्ड टू रेवेन्यू जनरेशन रेवेन्यू जनरेशन ऑफ जी पोस्ट ऑफिस ठीक है मतलब पहले जो है इस पर रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता था ठीक है मतलब आपको भी पता है कि जी को टी आर सी मिलता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस इसको आप सैलरी नहीं कह सकते हैं लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आपने अपना पोस्ट ऑफिस काम जो जहाँ पे आपका अकाउंट क्रेडिट होता है वहाँ पे देखिएगा लिखा है कि जी सैलरी ऑफ जनवरी मंथ फेब्रुवरी मंथ ऐसा करके लिखा है तो वो जो सिस्टम है वो रेवेन्यू छोड़ के नहीं लिखा जा सकता उसको सैलरी नहीं कहा जा सकता ठीक है तो इसीलिए ये रेवेन्यू जनरेशन जो है ये इम्प्लीमेंटेड है ठीक है दोस्तों उसके बाद क्या है जी डी एस पोस्ट ऑफिस नॉट अचीविंग प्रेस्क्राइब रेवेन्यू नॉर्म विद इन गिवेन वर्किंग आवर्स टू विल हैव टू ओपन जी डी एस पोस्ट ऑफिस मिनिमम ऑफ एडिशनल थर्टी मिनट्स ये अभी इंप्लीमेंटेड नहीं हुआ है नहीं इसके बारे में मुझको पता नहीं ये इम्प्लीमेंटेड हुआ है या नहीं मुझको याद नहीं है अभी ठीक है और क्या है जी डी एम बी पी एम विल पेड रेवेन्यू लिंक्स अलाउंसेस टेन परसेंट बियॉन्ड लेवल टू वेज स्केल विल बी सक्सेसफुल अचीविंग रेवेन्यू बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स ठीक है दोस्तों उसके बाद क्या है यह अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है जीडीएस डी एस पोस्ट ऑफिस को उन्होंने कहा था ए बी सी डी कैटेगरी में डिवाइड कर दो ठीक है कि किस पे कितना काम होता है ये अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है सिक्स अप्रूव कैटेगरीज जीडीएस आर सबमिटेड इन टू टू कैटेगरीज ऑनलिस्ट मतलब पहले क्या था अब आप देखेंगे आपका पोस्ट जो है जी डी एस नहीं रहा आपका पोस्ट जी डी एबीपीएम ही है लेकिन पहले ये जो था जी डी एस एम सी जी डी एस एम डी जी डी एस पैकआर ठीक है ये सब अलग अलग था जी डी ये सारे अलग अलग था तो इसको जो है कैटेगराइज कर दिया गया है टू कैटेगरी में वन कैटेगरी विल बी ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड अदर फाइव कैटेगोरीज जी डी एस आर सब सब्स्यूम्ड इन टू मल्टी टास्किंग कैटेगरी ठीक है अब आप ए बी पी एम हो चुके हैं जो लोग तो आज के वीडियो में थोड़ा टाइम लग गया अच्छा चलिए इसको बोल के छोड़ देते हैं द जी डी एस वर्किंग इन द जी डी एस पोस्ट ऑफिस विल बी नोन एज असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट ऑफिस मतलब ए बी पी एम जो पद का सृष्टि है ये इन्होंने ही किया था दोज़ वर्किंग इन डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस विल बी नोन एज डाक सेबक ठीक है मतलब अगर कोई एसो में एसो का ए बी पी एम को डाक सेवक कहा जाता है आपको भी पता है तो यही था अपडेट आज के लिए नेक्स्ट पार्ट इसका आने ही वाला है जल्दी से जल्दी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए हाँ और दोस्तों जो बातें बताए बगैर मुझको नींद नहीं आती है वो है जी प्रमोशन प्रोमोशन का एग्ज़ाम का जो हमने कोर्स लॉन्च किया है बहुत बढ़िया कोर्स है जो अब आपको आप आप जानते हैं कि प्रोमोशन जब एक साल में होने ही वाला है उसका रिलेटेड नोटिस आने ही वाला है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ठीक है अब आपको हम क्या देंगे हम सिर्फ़ और सिर्फ हम क्लियर करना चाहते हैं पहले हमने बहुत कुछ सोचा और इस कोर्स को लेके अभी भी हमने बहुत कुछ सोचने की प्रचेष्टा कर रहा हूँ कि कैसे इसको बेटर किया जा सकता है ठीक है लेकिन अब जो है अब आपको हम सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको इस कोर्स का ऑनलाइन पी प्रोवाइड करवाएंगे एक या दो महीने तक इसको चला चलेगा ये ऑनलाइन जो पी है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे यहाँ पे किसके लिए हम फ्लैट टू टू हंड्रेड परसेंट टू हंड्रेड रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हैं इस कोर्स में आप अगर एम के लिए एनरोल करते हैं तो तीन सौ पोस्टमैन के लिए चार सौ के लिए छः ऑल के लिए आठ ठीक है तो इसके बारे में सोचिएगा लेना ही होगा ऐसा कोई बात नहीं लेकिन अगर आप पी चाहते हैं ऑनलाइन में तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा आप इस नंबर पे इस नंबर पे अनुग्रहपूर्वक कॉल कीजिएगा और जुन्स का जरूरत नहीं है वो ज़रूर नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको अपडेट हम नहीं दे सकते ऑनलाइन फ़ोन में ठीक है तो ठीक है आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द आएंगे